सीवर लाइंस में ब्लॉकेज होने या मल्टीपल जोड़ के कारण शहर में कई जगह मैनहोल्स ओवरफ्लो होते हैं। सीवर ओवरफ्लो होने से कई तरह की परेशानी होती है, जैसे ओवरफ्लो होने वाले सीवर से ढेर सारा कचरा पैदा होता है, जिससे क्षेत्र बदबूदार और गंदा हो जाता है। रुके हुए पानी के मच्छरों से डेंगू, मलेरिया और अन्य गंभीर बीमारियां फैलती हैं। म्युनिसिपल क्लीनिंग अथॉरिटीज को ओवरफ्लो का पता तब तक नहीं चलता जब तक परेशान नागरिक इसकी सूचना उन्हें कॉल पर ना दे। इसी वजह से नगर पालिका ओवरफ्लो के बाद प्रतिक्रिया करती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इतना ही नहीं, सड़कों का खराब होना, बंद नालियां, नागरिकों का परेशान होना, सड़कों पर गड्ढे और सीवेज का ठहराव जैसी और भी समस्याएं पैदा होती हैं। ट्रेडिशनल क्लीनिंग तरीकों में सफाई के लिए अधिक टाइम, पैसा और मैन पावर की आवश्यकता होती है, लेकिन डेकोन इन सभी समस्याओं का वन स्टॉप स्मार्ट सॉल्यूशन है। डेकोन को किसी भी मैनहोल में रेट्रोफिट किया जा सकता है। यह मैनहोल के नीचे की दीवारों पर लगाया जाता है। डेकोन के सेंसर्स इसके कंट्रोल यूनिट को ट्रिगर करते हैं, जो मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी का यूज करके डेटा को क्लाउड पर भेजता है, जहां से मैनेजिंग टीम, कंट्रोल सेंटर और क्लीनिंग स्टाफ को सॉफ्टवेयर पर सूचना प्राप्त हो जाती है। डेकोन सॉफ्टवेयर के साथ यूजर दुनिया के किसी भी हिस्से से सभी डेटा को मॉनिटर कर सकता है। आसान विजुअलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए हमने सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिजाइन किया है, जहां यूजर मैप्स पर डिवाइस को मॉनिटर कर सकता है और बार, पाई और हिस्टोग्राम में दैनिक और मासिक रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही शहर के किसी भी हिस्से में मैनहोल खुले होने की सूचना भी सॉफ्टवेयर पर प्राप्त होती है। ओवरफ्लो होने से पहले ही ओवरफ्लो की इंफॉर्मेशन सटीक लोकेशन के साथ प्राप्त हो जाने से सफाई कर्मचारी समय पर सफाई कर सकते हैं, जिससे यातायात और रोग संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। समय पर सफाई होती है और टाइम, पैसा एवं मैन पावर की बचत होती है। इनहाउस डिजाइन किए गए फ्लोट स्विच सेंसर सीवेज के पानी के स्तर का सटीक पता लगाते हैं। डेकोन बैटरी कैपेसिटी 80,000 mAh है, जो डिवाइस को 4 साल से अधिक समय तक बिना चार्ज किए पावर देती है। डेकोन एंक्लोजर थर्मोप्लास्टिक पॉलीप्रोपलीन मटेरियल का बना है। डेकोन डिवाइस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए GSM मॉडम का उपयोग करके स्वतंत्र नोड्स के रूप में कार्य करते हैं।